कितने सॉफ्ट और कितने कितने खस्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं। किस चीज़ से खेल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये वायर है, ये डीमर है, ये लाइट से। आज जो है वो इब्राहिम की ऑयलिंग का डे है। आज इब्राहिम की चंपिंग करेंगे हम। हैं ये है हमारे इब्राहिम का सर, और इब्राहिम के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं, और उसकी वजह यही है कि मैंने इसकी स्टार्ट से ही इसके बालों में ऑयलिंग की है। बहुत अच्छे बाल हैं माशाल्लाह, इसके बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं। तो देखते हैं, लगा दे कितनी शाइन आ गई है बालों में। लेकिन इसकी खुशबू जो है ना बहुत इरीटेट करती है। मैं तो इसको यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ इसकी खुशबू की वजह से मैं सिर्फ इब्राहिम के बालों में इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप लोग अगर बर्दाश्त कर लेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। साथ में जो है अनियन ही शैम्पू है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ वीडियो में। इब्राहिम आप घूम जाओ, सामने लगाऊं, चेहरा तो ऊपर कर लें। कैसे लगते हैं आप? मैं खेल रहा हूँ। ऑयल लगवा के, ऑयलिंग का तरीका ये है कि आप लोग जड़ों में ऑयल लगाया करिए। जो जड़ें होती हैं ना, ये जो रूट्स होती हैं, इनको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। इब्राहिम सा इधर करो, बालों में तो आप ही आप लग जाता है, लेकिन आप रूट्स में लगाया करेंगे, जो रूट्स होती हैं, क्योंकि ये लड़के हैं और इनको जो है ना ये बाद में बड़े होके ये बाइक वगैरह चलाएंगे, तो यहाँ से जो है बाल बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। मैंने लड़कों के देखे हैं, यहाँ से बाल गायब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके बेटे हैं, बेटी भी है, तब भी आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, ताकि आगे जाके इनके बालों का जो है ना मसला ना हो इन लोगों को। इस तरीके से इनकी, ये देखें इसके बेबी हेयर भी माशाल्लाह अभी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे ये तेल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में कोई रोगन लगा रहा है। तो ये रोगन ही तो है बेटा, ये प्याज का तेल है, तो ये रोगन ऐसा लग रहा है कि ये किसी खाने का रोगन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें प्याज की खुशबू आ रही है, इसलिए प्याज की स्मेल इसमें ऐसी है खतरनाक वाली कि जैसे आपने ना प्याज का पानी लगा लिया है। अभी मैं आपको ये ऑयलिंग कर लूँ, फिर मैं आपको नूडल्स बना के देती हूँ, ठीक है? थैंक यू, वेलकम। ऑयल लगाने के बाद ना अच्छी तरीके से आप मसाज करें, ताकि इस जो स्कैल्प में इनकी रूट्स में सही से एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी होता है, खाली हम जो है बालों में लगा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। हमें रूट्स में लगाना है ताकि रूट्स मजबूत हो, और थोड़ी सी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, उसकी वजह से जो है नए हेयर जो है वो ग्रोथ होती है, नए बाल निकल। क्योंकि जो हेल्दी रूट्स होती हैं ना, हेल्दी रूट्स की पहचान ये होती है कि एक जड़ में से तकरीबन 2 से 3 बाल निकलने चाहिए, जब आपकी जो है वो बाल जो है वो हेल्दी हैं। अम्मा मैं मैगी नहीं खाऊंगा। फिर क्या खाएंगे? पकौड़े खाऊंगा। ओहो, पकोड़े बनाओ मैं आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी आप मैगी बना। चलो मैं बना दूंगी पकोड़े। कौन से खाओगे, प्याज के या फिर आलू के? जौन से भी आप बनाएंगे। चलो अभी तो भूख लग रही है, पर अभी जो है ना क्विक जो बनेंगे ना वो मैगी बन जाता है। जल्दी से आप वो खा लो, और फिर शाम में मैं आपको पकोड़े बना के दूंगी प्याज के, ठीक है? आलू के भी बना दूंगी। मैं भी ये वाला ऑयल यूज करता हूँ, आप भी ये वाला ऑयल यूज करें, मैं आपके इससे बाल अच्छे हो जाएंगे। खास तौर पे बेटा बेटी पे करें, अपने तो आप लगाते रहेंगे। अच्छा, पर बेटा बेटी के लगाते रहें आप लोग। बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, बच्चों के लिए अच्छा, और ये नॉन ग्रीसी है ना, तो ये आराम से शैम्पू से निकल भी जाएगा। 2 दफ़ा शैम्पू से निकल जाता है ये ऑयल आराम से, 2 दफ़ा, और ये काफी चल जाता है। हमें तो महीना हो गया, अभी आधी बोतल ही हुई है हमारी, अब साल निकाल देता है। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करूँगा। रुबीना इरफान के नाम से मेरी आईडी है, और हम डेली ब्लॉग डालते हैं। रुबीना इरफान मेरी मम्मा का नाम है, रुबीना मेरी मम्मा का नाम है, और इरफान मेरे बाबा का नाम है, और मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, जैसे कि आपने शुरू की ब्लॉगिंग में दिखा था मेरा नाम। ओके ओके, अब आप क्या करेंगे? अब हम आपको दिखाएंगे बाद में मैगी की ब्लॉगिंग, जब मैगी ओके हो जाएगी। ठीक है जी, फिर हम आपको मैगी वाली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।